हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आज मैं आपको मॉस रोज़ दिखा रही हूँ। साथ में इसकी कुछ प्रॉब्लम होती है कि या तो फ्लावर नहीं आ रहे होते हैं, या प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा होता, या मिली बग बहुत परेशान करते हैं। तो आज उसी का सलूशन दूंगी, साथ में अपने फ्लावर्स भी दिखाऊंगी कि बहुत अच्छे से ब्लूमिंग चल रही है मेरे गार्डन में और बहुत सुंदर से मॉस रोज़ खिले हुए हैं इस समय। तो यही टाइम होता है, वो 9 बजे से खिलना स्टार्ट करते हैं और ये 12 बजे तक खिले रहते हैं। इन्हें 9 o'clock भी बोलते हैं, इन्हें मॉस रोज, टेबल मॉस रोज भी बोलते हैं। तो ये पटलगा की ही वैरायटी होती है, इसके अंदर दो आते हैं, एक तो मॉस रोज़ आता है और एक पर्सलिन आता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पास से एक लुक दिखाती हुई सभी फ्लावर्स का, तो आप देख सकते हैं सब अच्छे से फ्लावरिंग खिल रही है। तो ये रेड वाला आ गया, तो मेरे पास इसके 6 कलर हैं, आप देख सकते हैं सभी अच्छे से खिले हुए हैं। वाइट शेड आ गया, येलो भी खिल रहा है, ये डार्क पिंक शेड, फिर से वाइट आ गया, तो ये पीच कलर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्लावरिंग में है इस समय और खूब ढेर सारी फ्लावर बर्ड्स आई हुई हैं। और जब मैं कटिंग करती हूँ वो फिर से मैंने स्पॉट में लगा रखी है, तो इस तरह से मैंने सब सिंगल शेड बना रखे हैं और इस स्पॉट में मैंने सारे मल्टी कलर्स लगा रखे हैं। तो सभी अच्छे से खिले हुए हैं इस समय, आप देख सकते हैं। तो मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं, ढेर सारी ब्लूमिंग करते रहते हैं और इजी टू ग्रो होते हैं, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है और ब्लूमिंग बहुत अच्छी होती है। और दूसरी, ये वैरायटी परमानेंट होती है, ये हमेशा रहती है आपके घर में, बस जब सीजन आता है तभी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती है और इसका फ्लावरिंग टाइम भी अच्छा होता है। ये मार्च से फ्लावरिंग करती है तो नवम्बर तक ये फ्लावर करते रहते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होते, और जब इनका फ्लावर टाइम ख़त्म भी होता है तो ये बस ऐसे ग्रीन ग्रीन बने रहते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से सेव कर सकते हैं। तो मैंने सारी वैरायटी ऐसे ही सेव करी है, तो आप इनको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। ये हैंगिंग पॉट में ये बड़े अच्छे से लगते हैं और ये देखिए डी शेप हो रहा है, तो इसको मैं शेप में लाऊँगी। तो पीस शेड खिला हुआ है, देख सकते हैं फ्लावरिंग इसमें भी बहुत अच्छी सी है, बर्ड्स बहुत सारी आई हुई हैं। वाइट शेड भी आ गया, ये येलो शेड, तो ये बहुत अच्छे से खिला हुआ क्योंकि मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, तो जब कटिंग कर दीजिए तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग आती है। और ये पिंक शेड आ गया डार्क, और ये रेड है, मैंने इसकी भी कटिंग कर दी है, तो अब इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग आएगी। और ये चाइनीज़ मॉस रोज कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो ये बहुत ढेर सारे फ्लावर देने वाले प्लांट होते हैं, तो ये मल्टी वैरायटी में आते हैं, तो ये चाइनीज़ वैरायटी है। और इसमें भी डबल फ्लावर वाले भी आते हैं, सिंगल फ्लावर वाले पास मेरे पास है, मैं लाई नहीं थी, ये इस साल बीज से ही बने हुए हैं, तो इनके बीज बहुत महीन महीन से बन जाते हैं और ये अपने आप इधर उधर गिर जाते हैं और प्लांट्स अपने आप निकल आते हैं। तो इस बार ये अपने आप ही निकले हैं, तो मैंने जहाँ जहाँ निकले मैंने कलेक्ट करके इनको लगा दिया है इस तरह से, तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। और जब फ्लावर देते हैं तो देख कितने अच्छे लगते खिले हुए। और ये आगे पर्सलिन, देख सकते हैं बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग स्टार्ट है इस समय पर्सलिन में, और ये भी परमानेंट वैरायटी होती है, इसको भी आप सेव कर सकते हैं। तो मैंने इसको भी सेव कर रखा है, इस साल मैं ये भी नहीं लेके आई हूँ, मैं इसको पिछले साल भी नहीं लाई थी, तो हर साल मैं ऐसे ही सेव करके रखती हूँ प्लांट्स को, तो ये सालों साल चल जाते हैं। बस आपको छोटे से डिब्बे में लगा दीजिए या कोई पॉट खाली हो उसमें लगा दीजिए, इनको ज़्यादा ये भी नहीं कि इनको बहुत सेव करने की स्पेशल जगह चाहिए, किसी पॉट में लगा दीजिए किसी प्लांट के साथ, क्योंकि किसी प्लांट को भी ये नुकसान नहीं कर सकते, ये ऐसे प्लांट होते हैं। ये भी पटलगा के ही वैरायटी के ही होते हैं और ये भी ढेरों सारी ब्लूमिंग देने वाले होते हैं, इनमें भी मल्टी शेड आते हैं, मेरे पास 3 शेड हैं, तो मैंने इसमें 3 शेड लगा रखे हैं इस पॉट के अंदर। तो रेड अभी हल्का हल्का ही खिला होगा कहीं पर, पिंक और येलो आपको दिख रहे होंगे, तो इनमें भी मिली बग लगते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये बहुत ही इजी होते हैं मिली बग के लिए, सॉफ्ट होते हैं, तो मिली बग बहुत जल्दी इन प्लांट में लगते हैं, तो मिली बग से आप जितना बचाएंगे उतनी अच्छी सी फ्लावरिंग इनमें पाएंगे। और वाटर लिली में भी 3 बर्ड्स आ गई हैं, तो ये रात को खिल जाएगा अच्छे से, ये सुबह तक खिला हुआ था, तो पहले भी मैंने इसका एक फ्लावर आपको दिखाया था, बहुत अच्छे से खिला हुआ था और इसमें अब 3 बर्ड्स निकली हैं। तो ये फ्लावर आज सुबह खिला हुआ था, अब बंद हो चुका क्योंकि धूप लगने लगी है इसको, तो ये सब रात में खिलते हैं बड़े अच्छे से, ये 3 शायद रात में खिल जाएं आज अच्छे से। तो बात करते हैं ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं मॉस रोज से, तो
तो हमेशा ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपको हमेशा रिपोर्ट करना पड़ेगा, या आप जब लाते हैं इस प्लांट को नर्सरी से ख़रीद के, तो आप जब इसे पॉट में लगाइए तो इसकी कटिंग ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि इसमें मल्टी ब्रांचें बने, और जब मल्टी ब्रांचें बनेंगी तो हर एक ब्रांच में फ्लावर आएगा, क्योंकि ये एक कटिंग करने पे जब ये तीन ब्रांचें निकालता है, उसमें से तीन या चार ब्रांचें निकलती हैं, हर एक ब्रांच में दो 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 या तीन तीन फ्लावर बड्स आती हैं। तो जिस तरह से जितनी ज़्यादा ब्रांचें होंगी उतनी ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे आपके प्लांट में, तो देखने में एक अच्छा लगता है, बिल्कुल बुशी लुक देता है। जब खूब सारे फ्लावर होते हैं तब पॉट देखने में बाकी बहुत सुंदर लगता है। तो ज़्यादा फ्लावरिंग का एक यही तरीका है फर्टिलाइज़र। आप इसको फर्टिलाइज़र हमेशा लिक्विड फॉर्म में दीजिए, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, आपको तुरंत रिजल्ट समझ में आएगा। जितना फर्टिलाइज़र देंगे नेक्स्ट डे एकदम ग्रीन ग्रीन लीफ होगी, और दो तीन दिन में बहुत सारी बर्ड्स आ जाएंगी। तो लिक्विड फॉर्म में ही फर्टिलाइज़र आप इसे दीजिए। आप इसको NPK दे सकते हैं, मस्टर्ड के का भी फर्टिलाइज़र आप इसे दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी आप इसे लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें ब्लूमिंग आएगी। मिलीबग की बात करते हैं, तो मिलीबग सभी प्लांट में बहुत जल्दी लगते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा लगते हैं क्योंकि ये बहुत घने होते हैं, एक तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो मिलीबग सबसे ज़्यादा पहले इन्हीं को पकड़ते हैं। मिलीबग भगाने के लिए आपको कोई भी पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना पड़ेगा। जिस दिन आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं उसके दो दिन बाद आप फिर से स्प्रे इसलिए, क्योंकि जब हम पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो कुछ तो मिलीबग मर जाते हैं और कुछ इसके नीचे ही गिर जाते हैं, क्योंकि ये इतना घना होता है कि दिखते नहीं है और नीचे गिर जाते हैं। दो दिन बाद वो फिर से इसके टिप पे आ जाएंगे और आपको फिर से स्प्रे करना पड़ेगा। तो जब आप इसको दो या तीन बार स्प्रे करेंगे तब मिलीबग इसमें से अच्छे से निकल जाते हैं, क्योंकि मिलीबग इसे बहुत डैमेज करते हैं, फ्लावरिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है इन प्लांट्स के ऊपर जब मिलीबग इनमें लगते हैं। तो मिलीबग से इन्हें बचाइए, और सीजन में बहुत लगते हैं, फुल सनलाइट में रखिए इसको, अगर शेडी एरिया में रखेंगे या कम सनलाइट में रखेंगे तो फ्लावरिंग भी अफेक्ट करती है और मिलीबग भी नहीं लगते हैं। अगर फुल सनलाइट में आप रखते हैं तो बहुत तेज़ धूप में मिलीबग भी नहीं रह पाते हैं, और जब आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिल्कुल प्लांट ऐसे ही हेल्दी रहेंगे। तो ये फुल सनलाइट वाले प्लांट होते हैं, इन्हें ज़्यादा धूप ख़राब नहीं लगती है। वाटरिंग इनमें अच्छे से करिए, क्योंकि फुल सनलाइट में रखा हुआ है तो वाटरिंग की इनको नीड अच्छे से पड़ेगी, तो आप इनको अच्छी सी मॉर्निंग में खूब अच्छे से वाटरिंग दीजिए। लास्ट में बस इतना ही कहूँगी कि इसकी कटिंग बहुत अच्छी से करी, जिससे कि इसमें मल्टी ब्रांचें बने। मल्टी ब्रांचें बनने से बहुत सारे फ्लावर आते हैं, बहुत घना लुक हो जाता है पॉट के अंदर इनका। अगर आपने पुराने पॉट में इनको सेव कर रखा है तो रिपॉटिंग ज़रूर कीजिए। रिपॉटिंग करने से क्या होता है, इनमें नई रूट बनती हैं, नए प्लांट्स बनते हैं, और पुराने पॉट में अगर ये लगे होते हैं तो बहुत ज़्यादा रूट होने की वजह से भी इसमें फ्लावरिंग नहीं आती है। फर्टिलाइज़र आप इसको लिक्विड फॉर्म में दीजिए, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं लिक्विड फॉर्म में। स्प्रे ज़रूर कीजिए, अगर मिलीबग एक भी या दो आपको अपने प्लांट में दिखते हैं तो पूरे पॉट में स्प्रे अच्छे से कीजिए, और स्प्रे को दो बार ज़रूर रिपीट कीजिए, क्योंकि मिलीबग हमेशा एक बार में नहीं मरती, इनको दो बार ही मारना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप अपने प्लांट की केयर करेंगे तो बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करेंगी।